अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। जिला फैजाबाद, ये गांधी पार्क है। आज यहाँ कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के चुनाव के मुद्दों को लेकर धरने पे बैठे हुए थे। जब तक ये मुद्दा चलता रहेगा तब तक वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज पूरे देश में चल रहा है ये धरना प्रदर्शन। एक दो दिन में जो डेवलपमेंट हुआ है कर्नाटक में, वो डेवलपमेंट ऐसा है कि जिसने हमारे जो देश का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, उसको तोड़ने का काम, उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया है। इन्होंने तत्काल आदेश किया, न्योता दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आप आइए सरकार बनाइए और 15 दिन के बाद बहुमत सिद्ध कीजिए। आप मुझे बताइए, जो इतने दिनों में भ्रष्टाचार का खेल 15 दिनों में होगा, खरीद फरोख्त होगा, इसका कौन जिम्मेदार होगा? जो चुनाव कंडक्ट कराने में इतने सारे पैसे लगते हैं, इसके बाद फिर इस तरह के खर्च होंगे, इसका कौन जिम्मेदार होगा? तो निश्चित तौर पर आज लोकतंत्र की सम्मान को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आज का ज्वलंत मुद्दा कर्नाटक है। आज हम सिर्फ कर्नाटक पे केंद्रित हैं। कर्नाटक में जो कुछ हुआ है वो संविधान की, लोकतंत्र की हत्या है और इस नकारा सरकार के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन यहीं से छेड़ा है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। कब तक चलाएंगे आंदोलन? जितनी आवश्यकता होगी, आप सुन रहे थे, आप तो मीटिंग मौजूद थे, जितनी जरूरत होगी, धरना प्रदर्शन से लेकर जेल भरो आंदोलन तक जितनी जरूरत होगी उतनी लड़ाई इस जालिम सरकार के खिलाफ हम लड़ेंगे। हर जिले में ये कार्यक्रम चल रहा है, प्रदेश के मुख्यालय पर भी हो रहा है और हर जिले में हो रहा है। तो कब से ये, कब तक चलेगा? नहीं, ये आज एक दिन का सांकेतिक धरना था और उसके बाद फिर अगर हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, वहाँ से निर्णय आने की प्रतीक्षा है और उसके बाद अगर चीज़ें निपटती हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर इसको और दूसरा स्वरूप देने के बारे में भी विचार होगा।